इंटरनेट पढ़ाई पर कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है, कि R इक्वल टू रो L बाई A वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा आप लोग रीड करके आए, ठीक है। होप करते हैं आप लोग आए होंगे, और नहीं भी आए होंगे तो कोई बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक क्या होगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं कि क्या था। ओम्स लॉ आपने पढ़ा, ओम्स लॉ, ठीक है, जहाँ से अपन को मिला कि वी इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आर इज ए कॉन्स्टेंट था जिसकी यूनिट ओम थी, ठीक है। तो हमने दो एक्टिविटीज़ करा था। फर्स्ट एक्टिविटीज़ में हमने क्या करा था कि मटेरियल को सेम रख कर, ठीक है, वोल्ट को हम इस पर्टिकुलर के लिए V और I में हमने रिलेशन इस्टाब्लिश करा था कि V इक्वल टू I। अपन ने क्या करा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते जा रहे थे, इंक्रीज करते जा रहे थे, ठीक है, बैटरी को चेंज करते जा रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा था, बढ़ रहा था, तो ये भी क्या हो रहा था कि बढ़ रहा था। फिर हमने इससे रिलेटेड सेम मटेरियल, फिर अपन के मन में डाउट हुआ कि क्या ये जो R आ रहा है ईच एंड एवरी केसेस में, R जो है वो क्या सभी मटेरियल सेम आर की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, मीन्स रेजिस्टेंस सेम प्रोवाइड करते हैं। तो हमने मिला पता करा तो नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने जब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को चेक करा नेक्स्ट एक्टिविटी में, एक्टिविटी नेक्स्ट में सेकेंड एक्टिविटी में हमने क्या करा था कि वी को फिक्स कर दिया था, जो बैटरी है उसको हमने क्या करा था फिक्स्ड। एक ओवरव्यू ले रहे हैं अभी अपन, ठीक है, आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उसको देखें ज़रूर। वहाँ पे हमने क्या करा, इसको फिक्स कर दिया था। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया, तो जो R की वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, V बाई आई ही तो है, तो V यहाँ से हम देख रहे हैं इसको फिक्स कर लिया, तो V1 बाई आई से, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ऐसे केसेस में अपन ने देखा कि कुछ केसेस में जो I की वैल्यू है ज़्यादा है, कभी कम हो रहा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या है कम और ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मटेरियल पे वो डिपेंड कर रहा, ठीक है। फर्दर अब इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, मटेरियल तो ठीक है यार, मटेरियल पे तो डिपेंड कर रहा, क्या कभी केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि हमने सेम मटेरियल कर दिया, मटेरियल कर दिया बट उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ टेम्पर कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, मटेरियल तो हमने सेम रखा, चलो नाइक्रोम है तो ठीक है, तो क्या नाइक्रोम का कभी वायर हमने मोटा लिया, कभी पतला लिया, कभी छोटा लिया, कभी बड़ा लिया, तो क्या उसमें भी वो डिपेंड कर रहा है, इस बात को भी अपन को समझना है। इसके लिए एक एक्टिविटीज करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ही समझ लें अपन, उसी को करके समझने की कोशिश करते हैं। सेम मटेरियल लेना है, स्ट्रक्चर लेना है, हमने क्या करा सर्किट को हर साल की भांति इस बार भी ओपन करके रखना है। सपोज वी हैव टेकन अ सर्किट हियर, स्विच हियर, वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले केस में हमने क्या करा कि एक हमने वायर ले लिया, ठीक है, इसको उठाया यहाँ पे रखा, यहाँ से एक रीडिंग आएगी करंट की, एम्पियर की रीडिंग आएगी, उसको रीड करा हमने, ठीक है। दूसरे केसेस में हमने देखा इसी वायर को हमने क्या करा, जो भी नाइक्रोम जो भी मटेरियल सेम मटेरियल लेकर अभी चल रहा है, उसके वायर की हमने डेफिनेशन और जो भी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमने इसको क्या करा मोटा वायर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने करंट को रीड करा क्या हो रहा है, ठीक है। फिर हमने एक थर्ड लिया, इसमें क्या करा हमने लेंथ ही बढ़ा दिया, ठीक है, जैसा ये था उसका लेंथ ही हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे भी हमने रीड करा रीडिंग को। तो जो भी इनमें जो एक आर भी आ रहा होगा, रिलेशन बिटवीन आर आ रहा होगा, ठीक है, तो हमने देखा कि यार जो भी अपन कर रहे हैं तो एक रिलेशन आ रहा है कि जब भी आर इक्वल टू लेंथ है, ठीक है। अब एक बात ये समझो आप लोग कि जो ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुकावट होगा, यदि ज़्यादा से ज़्यादा रुकेगा तो वाटर क्या होगा कम फ्लो करेगा, तो वाटर कम फ्लो होने का क्या मतलब है कि रुकावट ज़्यादा है, या फिर वाटर ज़्यादा फ्लो होने का क्या मतलब है कि रुकावट क्या है कम है। तो रुकावट के बारे में अपन को सोचना है, तो रुकावट क्या है, जब भी हमने देखा कि लेंथ ऑफ द वायर को हमने छोटा रखा, ठीक है, तो रुकावट कम है,
लेंथ हमने बढ़ा दिया तो रुकावट क्या हो रही है कि बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे देखा कि जो भी लेंथ है, लेंथ तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रुकावट, जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रुकावट हो रही है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि वाटर कम फ्लो कर रही है, कम फ्लो कर रहा है, वाटर इज मूविंग इन लेस अमाउंट, लेस अमाउंट में वाटर पास हो पा रहा, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया। फिर हमने देखा कि उसके जब क्रॉस सेक्शन की बात करा, हमने क्या करा, एक छोटा सा पतला लिया, फिर हमने एक मोटा ले लिया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, इस केस में हमने एज अ पाइप आप मानकर समझो, तो इस पाइप के थ्रू हम देखेंगे कि वाटर क्या होगी, कम जाएगा। ये जब हमने वाटर पाइप को मोटा कर दिया तो इसके थ्रू ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मूव करेगा, इसके अलावा ज़्यादा मूव करेगा मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग। जैसे कि ये पतली पाइप है तो इसमें पानी और इसमें पानी, तो पानी अपन देख रहे हैं कि ये एरिया हमने बढ़ाया तो पानी का जो फ्लो है वो इसमें बढ़ गया, एरिया बढ़ाने से वाटर का फ्लो बढ़ गया। तो वाटर का फ्लो बढ़ने से मतलब है कि जो आर होगा उसकी क्वांटिटी एक्चुअली क्या हो गई, घट हो गई, घट गई, डिक्रीज कर गई। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि यस, ये क्या हो रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो रहा है, इन्वर्सली हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इन दोनों को हमने क्या करा, एज अ कम्बाइन कर दिया, कम्बाइन करने से हमने देखा कि आर एज अ एल बाई ए, ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब भी अपन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं अपन, एक कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करा एल बाई ए, ठीक है। तो एक तो ये पहले ही रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ही एक कांस्टेंट था, अब ये एक नया कांस्टेंट आ गया, इसको क्या बोलते हैं, रो, आर एच ओ, ठीक है, पढ़ते हैं, होता क्या है, रेजिस्टिविटी, आर ई एस आई एस टी आई वी आई टी वाई, रेजिस्टिविटी। अब इसकी यूनिट की बात करें तो कैसे आएगा, निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होता है, ओम होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट नहीं पता है, लेंथ की यूनिट मीटर होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मीटर से तो मीटर ये कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गया, ये इधर चला गया, ओम मीटर। तो ये अपन को यूनिट मिल गया कि यस, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि इस रेजिस्टिविटी को समझने के लिए कि एक पर्टिकुलर मेटल का एक अपना रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेटल का अपना एक रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, बट उसकी रेजिस्टेंस को अपन वैरी करा सकते हैं, उस पर्टिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझो आप लोग, सुनो, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर जो भी मटेरियल है उसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी विल बी कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, इफ द मटेरियल इज सेम रेजिस्टिविटी विल बी सेम, बट उसका जो रेजिस्टेंस है इसको अपन वैरी करा सकते हैं। एक पर्टिकुलर जैसे आयरन है तो आयरन के कंडक्टर में भी कभी कभी वेरिएशंस हो सकता है, कभी कभी क्या ऐसे भी हो सकता है, उसके लेंथ से रिलेटेड एरिया में वेरिएशन करके अपन दो टू वायर्स ऑफ द कॉपर या फिर टू वायर्स ऑफ द कोई भी सिमिलर मेटल ले लो, उसमें अपन वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे टू वायर्स ऑफ कॉपर ले लें, तो कॉपर तो है, तो कॉपर है तो दोनों ही केसेस में रेजिस्टिविटी यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों ही केसेस में रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर सेम रहेगा, बट रेजिस्टेंस में वेरी, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस विल वेरी। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि यस, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टोटल किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो रेजिस्टिविटी हो गया, लेंथ हो गया और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इन तीनों पे मिलकर ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम, बट स्टिल उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो में वेरी हो सकता है, वेरी हो सकता है, कैसे, एल बाई एल और ए के वेरिएशन करने से। ए क्या होता है, ए को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, जैसे सपोज दिस बी वायर, ये क्या है, वायर है, बहुत लंबा वायर है, हमने क्या करा, इसको कट करा, कट करके जब इसको अपने फेस के सामने यूँ रखेंगे तो जो सर्कल दिख रहा है, ठीक है, यूजली क्या होगा, कंडक्टर सर्कल ही होगा,
ठीक है, कोई और भी शेप हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, कोई डाउट नहीं, बट यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर है, तो इसकी एरिया अपन को निकालना होता है, तो एरिया इक्वल टू हो जाता है पाई आर स्क्वायर, यही तो है एरिया, ठीक है। तो जब भी रेडियस की वैल्यू रहता है तो एरिया का ये फॉर्मूला हो जाएगा। थोड़ा सा इसको परेशान करने के लिए, अपन को परेशान करने के लिए डायमीटर दे देगा, तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डी बाई टू ही तो होता है, ठीक है, तो डी बाई टू का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, अपन यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, नहीं तो इसी से अपन क्या करेंगे, जो डायमीटर गिवन रहेगा वहाँ से आर ही की पहले वैल्यू ही निकाल लेंगे, अब इसी को इसमें पुट करके एरिया अपन को आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कोई बड़ा ये मैटर नहीं है, इसको अपन थ्रू प्रैक्टिस अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन अपन लेकर चलते हैं, और इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे बनते हैं, कंसेप्चुअल बनते हैं, और जहाँ पे पता नहीं क्यों अपन से गलती हो जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है, कोई एक वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, 4 ओम पूरा क्वेश्चन ही अपन लिख देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस आर ई एस आई एस टी ए एन सी रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, ठीक है। पहले बार तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही यहाँ पे डाउटफुल हो जाता है कि इज डबल्ड ऑन इट, इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है, आते हैं उस पॉइंट पे। अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, नाउ कैलकुलेट, इसमें कुछ ज़्यादा गिवन नहीं रहेगा, ठीक है, सिंपली अपन को कंपेरिजन करना पड़ता है, तो कैलकुलेट दी न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इस पर्टिकुलर वायर का नया रेजिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, ओके। समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये, जैसे अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, जैसे मानकर चलते हैं कि कुछ ये वायर इस तरह से था, ठीक है, ये कुछ इस तरह से था, जिसकी लेंथ क्या थी, मानकर चलते हैं कि यस दिस वॉज दी लेंथ, इसका लेंथ क्या था, एल था, और जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए थी, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, डबल कर दिया गया, मतलब बीच से ही इसको एक के ऊपर एक कुछ ऐसे कर दिया गया, तो इसका जो लेंथ आया वो क्या हो गया, एल बाई टू हो गया, और एरिया क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो था वो क्या हुआ इस तरह से। तो क्वेश्चन इसको करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है अपन को इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन को लेकर अपन को चलना होगा। जैसे कि यहाँ पे रो वन क्या होगा, एल वन कुछ गिवन होगा, ए वन गिवन होगा, इसका ये जो ओवरऑल आर वन आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ से आर टू होगा, एल टू होगा और ए टू होगा, इनसे मिलाकर एक आर टू आ जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन को ये मिलता है कि यह सेम मटेरियल की बात करेगा तो रो वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू रो हो जाता है, ठीक है, रो वन इक्वल टू रो टू हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन दे ही दिया रहता है, ठीक है, जिससे सब आपस में ही। और यूजली अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे समझो एक जो जनरल बातें हैं जो कि अपन को ईच एंड एवरी ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस में यही फंडा अपनाना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, रो वन एल वन बाई ए वन, ओके, R2 की वैल्यू क्या होगी, रो टू एल टू बाई ए टू, ठीक है, यहाँ तक अपन करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, आर वन बाई आर टू इक्वल टू रो वन एल वन बाई ए वन डिवाइडेड बाई रो टू एल टू बाई ए टू, ओके, इसको थोड़ा और यहीं पे कैंसिल होने लगते हैं, रो वन एल वन बाई रो टू एल टू इंटू ये ए टू उधर चला जाएगा, ए टू बाई ए वन। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यही करना, ऑलमोस्ट 99% केसेस में अपन को सेम फंडा ये बिल्कुल बेसिक ऑप्ट करते हुए चलना है और अपन को सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, R1 जो था, R1 इक्वल टू रो L by A, ठीक है, ऐसा अपन मान कर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केसेस में यहाँ पे R2 जो आ जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, इसमें भी रो L by A ही लगेगा, तो रो तो सेम रहेगा क्योंकि ये सेम मटेरियल हमने उसके ऊपर फोल्ड करा है। तो रो L, L की वैल्यू अभी क्या हो गया, वो हाफ हो गया, जो पहले L था अभी उसके लेंथ टोटल कितना हो गया, L by 2 हो गया, और जो एरिया हुआ है वो क्या हो गया है, 2A हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो रो L by 2 ये नीचे आएगा और 2A पहले से ही है, तो कितना आ गया ये, रो L by 4A, रो L by 4A। अब जैसा कि बताया गया, सिंपली वी हैव टू डिवाइड दिस टू, ठीक है, रो वन बाई रो टू। तो रो वन बाई रो टू अपन करते हैं, आर वन बाई आर टू क्या होगा, रो एल बाई ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है, रो एल बाई फोर ए। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, रो एल तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, अब ये इसके साथ ये फोर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं है, यहाँ पे हो जाता है कभी कभी अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चार पॉइंट्स में है, सेंटर वाले एज ए डिनोमिनेटर करेंगे और एक्सट्रीम वाले न्यूमरेटर का पार्ट करेंगे। तो यहाँ से R1 की वैल्यू हमने देखा था क्या था, R1 बाई R2 जो आ रहा है, यहाँ से हमने देखा कि ऐसे कितना आ गया है, 4। अपन को फाइंड आउट करना है R2, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि R2 कितना हो जाएगा, इस R2 को उधर भेज देते हैं तो 4R1 हो गया, 4R2 हो गया, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, R1 बाई 4। तो R1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 4 ओम ही तो गिवन है, 4 बाई 4, तो ये कितना आ गया, 1 ओम। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस में यहाँ पे क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 1 ओम इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और पर्टिकुलरली यहीं से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इसी पे स्ट्रक्चर को क्या करेगा, थोड़ा सा उसको चेंज कर देगा, कभी लेंथ को डबल करेगा, कभी ट्रिपल करेगा, ठीक है। तो 90% क्वेश्चन तो मटेरियल को सेम करके करता है, नहीं तो कभी कभी चेंज भी कर देता है, तो चेंज करने से R1, रो वन, रो टू की वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है, उसको अपन पुट करते हैं। बट एज अ होल अपन बात करें तो सब में यही फंडा अपन को ऑप्ट करके चलना होता है, ओके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, टिल थैंक्स।